अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समन असद, योर इमेज कंसल्टेंट एंड ग्रूमिंग ट्रेनर। और आज के इस वीडियो में मेरे साथ हैं अरूज। अरूज के बालों के थ्रू हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तारामीरा तेल सर पे लगाते ही जलन होती है, या बहुत ज़्यादा इरिटेशन के साथ साथ उनकी जगह उनको लगता है जलना शुरू हो गई है। तो हमने आपको आज ये बताना है कि तारामीरा ऑयल को कभी भी डायरेक्टली अपने स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाते। पहली बात हुई कि तारामीरा ऑयल को स्कैल्प पे ही नहीं लगाते, आपने स्कैल्प थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर उसको अप्लाई करना होता है। तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों को ये बताती चलूं कि हमेशा किसी भी ऑयल को लगाने से पहले करियर ऑयल का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और चूँकि तारामीरा ऑयल जो है वो बहुत स्वेयर होता है, तो उसके बीच में आप करियर ऑयल इस्तेमाल किए बगैर उसको अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, वरना बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त दो ऑयल्स हैं जो मैं अप्लाई करूँगी, आपको बताऊँगी। एक तो मैंने करियर ऑयल लिया है जो कि है चिल्तन प्योर का कोकोनट ऑयल, और दूसरा जो ऑब्वियसली हम तारामीरा ऑयल की बात करें, ये भी मेरे पास है चिल्तन प्योर का। हमने ज़्यादा क्वांटिटी रखनी है कोकोनट ऑयल की, और उसके बीच में बहुत थोड़ी अमाउंट डालनी है तारामीरा ऑयल की। तारामीरा ऑयल को हमने स्कैल्प पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, जब आप मिक्सचर बना लें तब भी हम इसको स्कैल्प से थोड़ा सा डिस्टेंस रख कर अप्लाई करेंगे, ताकि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव हों, नेगेटिव ना। चलते हैं मिक्सचर की जानिब, आपको दिखाती हूँ कि मैंने मिक्सचर कितनी अमाउंट को डाल कर बनाया है, और उसके बाद मैं आपको आगे प्रोसेस में लेके चलती हूँ, तो वेट कीजिएगा। अच्छा, ये देखें आप लोग, ये मैंने तारामीरा ऑयल के चंद ड्रॉप्स जो है वो ऐड किए हैं कोकोनट ऑयल में। कोकोनट ऑयल चूँकि रूम टेम्परेचर के हवाले से काफ़ी वो जमा हुआ था, तो मैंने उसको माइक्रोवेव में गर्म करवा लिया है, तो वो लिक्विड ही फॉर्म में आ गया। अब इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया है, तो इसमें क्वांटिटी कोकोनट ऑयल की ज़्यादा है और तारामीरा ऑयल की बहुत कम है। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि इसको हम स्कैल्प पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि तारामीरा ऑयल है, इसको आपने थोड़ा सा डिस्टेंस रख के स्कैल्प से बालों के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी, और आप देखते भी जाएंगे कि किस तरह से ये मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अगेन, हम लोगों ने किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं ली, जो हेल्पिंग टूल कोई ब्रश वगैरह, सिंपल मैंने इसको अपने हाथ में डालकर इसको ऐसे कर लिया, फैला लिया। अब मैं स्कैल्प से थोड़ा सा डिफरेंस रख कर इसको मैं इसके स्किन के ऊपर यानी बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट पता है क्या होने वाला है, इसको आपने झसना नहीं है, इसकी आपने मालिश नहीं करनी, इसको जस्ट आपने अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने ये देखना इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जनाब, जिन लोगों के हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, जिन लोगों के बालों में जुएं पड़ जाती हैं, या जिन लोगों के बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं मौसम की वजह से या डर्ट की वजह से, किसी भी चीज़ रीज़न की वजह से, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने बालों में ये वाला ऑयल ज़रूर अप्लाई कर लें। अगेन, मालिश नहीं करनी, जस्ट इसको अप्लाई करना है। मैं आपको पूरा अप्लाई करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा हो जाता है जब आप इसके ऊपर ये अप्लाई कर देते हैं। आप देख सकते हैं बालों में बहुत अच्छे तरीके से मैंने तारामीरा और कोकोनट ऑयल का मिक्सचर जो है वो अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद बालों की लुक ऐसी हो जाएगी कि लगेगा जैसे आपने ऑयल लगाया ही नहीं है, क्योंकि आपके बाल इतने ड्राई हो जाते हैं समटाइम्स कि वो सारा ऑयल बालों की स्कैल्प सोक कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अभी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है, इसको हम 40 मिनट से लेकर डेढ़ घंटे तक, ठीक है ना, 1.5 आवर तक इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसके बेटर रिजल्ट के लिए आप इन बालों को बांध लीजिए, और इसके ऊपर आम सा कोई भी शॉपर बैग या कोई लफाफा, कुछ भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, उससे अपने बालों को ढक लें। डेढ़ घंटे के बाद आपने बालों को वॉश करना है। इसके बाद डेढ़ घंटे के बाद जो आपको लुक दिखाई जाएगी वो होगी इसके बालों की आफ्टर वॉश लुक, और वो देखिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, ब्यूटी टिप को अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपने हमें कमेंट सेक्शन पे लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये टिप कैसी लगी फॉलो करने के बाद। और सेकंड चीज़ जो मैंने आपको कहनी है कि आप चिल्तन प्योर की प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए सिंपल आपने काम करना है, वेबसाइट पर जाके आपने लिखना है www.chiltanpure.com, वहाँ पर जाके प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए और ऑर्डर रिसीव कीजिए, अप्लाई कीजिए, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू।